आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और बीन्स की मसालेदार सूखी सब्जी। मैं इसे एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अगर आपने इस सब्जी को एक बार इस तरह से बना ली तो हर बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए आलू और बीन्स की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 250 ग्राम बीन्स ले लिए हैं। हमने इन्हें अच्छे से धोकर और इस तरीके से कट कर लिया है। आपको जैसे पसंद हो आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। और हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू को भी हमने इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 1/3 कप ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे और जीरे को हम हल्का क्रेकल कर लेंगे। जब जीरा हल्का क्रेकल हो जाएगा हम इसमें 5 लहसुन की कलियां बारीक चॉप की हुई ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ अदरक ऐड कर देंगे और इन्हें हल्का सा भून लेंगे। और हमने यहाँ पर लहसुन अदरक को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 1 बड़े साइज की प्याज बारीक चॉप की हुई ऐड कर देंगे। अगर आप प्याज को चॉप करके नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें प्याज का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अब हम प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए सॉफ्ट हो जाने तक भून लेंगे। हमें यहाँ पर प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, बस हमारी प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए हमें इसे इतना भूनना है। और हमने यहाँ पर प्याज को सॉफ्ट हो जाने तक भून लिया है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और आलू को हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए प्याज के साथ में फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमें आलू को थोड़ा पकाना है। तो अब हम पैन को ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम आलू को ढककर पका लेंगे। और यहाँ पर आलू को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे आलू 50% पक चुके हैं। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर बारीक चॉप किए हुए ऐड कर देंगे। अगर आपको सब्जी में टमाटर ज्यादा पसंद है तो आप इसमें 3 टमाटर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई ऐड कर देंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर नमक पहले इसलिए डाला है क्योंकि नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हम टमाटर को सॉफ्ट हो जाने तक आलू भी साथ में अच्छे से भून लेंगे। और हमने यहाँ पर टमाटर को सॉफ्ट हो जाने तक अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें मसाले पाउडर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। यह कम तीखी होती है, इसे डालने से हमारी सब्जी का कलर अच्छा आता है। अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर हमने सभी मसालों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे और सारे मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर हमने सभी मसालों को अच्छे से भून लिया है। जो मसालों का कच्चापन था वो भी निकल चुका है और आप देख सकते हैं मसालों में से ऑयल भी रिलीज हो चुका है। अब हम इसमें बीन्स डाल देंगे और बीन्स को भी मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस सब्जी को एक बार इस तरह से जरूर बनाकर देखिएगा, आपकी सब्जी एकदम जबरदस्त बनकर तैयार होगी। और यहाँ पर हमने सभी बीन्स को मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें बीन्स को पकाना है। तो अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर सब्जी एकदम सूखी बनाऊंगी इसलिए मैंने 1/2 कप पानी डाला है। अगर आप इस सब्जी को थोड़ी तरी वाली बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 कप पानी ऐड कर लीजिएगा। अब हम फिर से अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम पैन को ढक देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। और हाँ, आप इसे 1 से 2 बार बीच बीच में चला लीजिएगा। और यहाँ पर हमारी सब्जी को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं हमारी आलू और बीन्स की मसालेदार सब्जी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। और ये देखिए आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने से हमारी सब्जी का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और फिर से अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हम सर्व करेंगे। और इस तरह से आलू और बीन्स की मसालेदार सूखी सब्जी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। और आपने देखा हमने इसे एकदम सिंपल तरीके से बनाया है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बनी है। आप इसे पूरी, पराठे, रोटी, चावल, नान किसी भी तरह से सर्व कीजिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो ट्राई कीजिए इस जबरदस्त रेसिपी को और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।